इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ मैथ्स की प्रश्नावली 3.7 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। तो गेहूं की एक ढेरी है इस तरह से, कोई आप समझ सकते हैं कि जब हम गेहूं की ढेरी लगाते हैं तो ढेरी अक्सर ऐसा आकार ले लेती है। तो गेहूं की ढेरी ने इस तरह से एक शंकु का आकार ले लिया है जिसकी ऊंचाई है 3 मीटर और जिसका व्यास है 10.5 मीटर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे लिख देते हैं, हाइट 3 मीटर और जो व्यास है 10.5 मीटर है, लेकिन फॉर्मूले में रखने के लिए हमें चाहिए रेडियस, वो व्यास का हाफ होता है। तो इसका हमने हाफ किया तो ये आ गया 5.25 मीटर, ये रेडियस आ गया है। अब हमें ज्ञात करना है कि इसका आयतन, एक तो आयतन निकालना है और दूसरा इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली देखो, इसको ढकने के लिए हम त्रिपाल वगैरह जो लगाएंगे उसका, वो कैसे लगाएंगे, बिल्कुल इससे इस ये वाला पोर्शन ढका होगा उसका, आप समझ रहे हैं। तो बेसिकली हमें चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये दोनों हमें चाहिए। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं आयतन, तो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वैल्यूज पुट करेंगे 1/3 पाई 22/7, आर है 5.25, दो बार लिखेंगे हम, और हाइट है 3। तो देखो इससे तो ये होगा कैंसिल, अब इन्हें कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 7 से काटेंगे हम 0.7745, 7×35 ठीक है, और अब इनका हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 22 का गुणा इससे करेंगे तो 2 का किया तो 1.5 आया, और 22 का करेंगे तो ये आएगा 16.5 × 5.25, और ये आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका आप आराम से मल्टीप्लाई करना है, इसका ये आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए होता है तिर्यक ऊंचाई, यानी हमें ये तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तो पहले तो हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, उसके बाद हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तिर्यक ऊंचाई यानी एल, ये है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां पे हमें वैल्यूज पुट करनी है, देखो एच यानी हाइट वो तो 3 है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो रेडियस है वो है 5.25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, ये 9 करेंगे, और देखो यहाँ पे हमें 5.25 का स्क्वायर करना है, तो इसका आराम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 27.5625, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें 9 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो 9 प्लस करेंगे 27 में तो आ जाएगा 36.5625, ठीक है। वेल, अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो देखो इसका वर्गमूल कैसे निकालें, ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 36.5625, चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं, 6×36 12, ये आया 56, नीचे पॉइंट लगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ रखेंगे तो ये तो नहीं डिवाइड होगा, तो हमें एक और जोड़ा नीचे उतारना पड़ेगा, यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा और यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। अब ये जाएगा 4 बार, 4×16 12×48, 5 से करते तो ज़्यादा हो जाता, 9 0 और ये 8, फिर हम 00 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 1208, और अब यहाँ पे 12×72 6,
ये आया 6.0466 समथिंग। तो बेसिकली राउंड ऑफ करके हम इसे लिख सकते हैं 6.05, ठीक है, ये हमने राउंड ऑफ करके इसे लिख दिया 6.05 मीटर, ये इसकी तिरछी ऊंचाई आ चुकी है। ओके, अब हमने निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होगा पाई आर एल, यानी 22/7 गुणा आर है 5.25 और ये है 6.05। ठीक है, सब समझ आ गया। 7 से इसे काटेंगे तो 7 × 7=49 और 7 × 5=35 और वेल फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा 16.5 × 6.05 और ये इवेंचुअली मल्टीप्लाई करके आएंगे 99.825 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट स्क्वायर होता है। तो ये इसका आंसर आ चुका है। वेल, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।